एनी हाउ उसको वीडियो ही बंद हो गई थी सही करने में कैमरा, तो उस हिसाब से अभी भी क्राइम क्या नाम है ना होने के बराबर है जिस तरह मैं पहले कह रहा था। 1.3 मिलियन की आबादी में आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर 22 आदमी रोज़ चार्ज होते हैं तो आटे में नमक के बराबर ही है कह सकते हैं। उनको इसकी भी फिक्र है कि ये क्यों है, और जैसे पहले मैंने बताया कि ओवर 400 गन सीज हुई हैं एक साल में, मैं नहीं समझता कि 15 लाख की या 14 लाख की आबादी में कोई बड़ी है, कराची में तो किसी एक घर से ही इतने निकल आते हैं। तो फोक प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, मैं एग्जांपल बहुत सारे टाइम कराची या लाहौर की देता हूँ, तो ये भी वही हैं जो मैं न्यूज़ में आपकी टीवी पे और इस पे सुनता हूँ। अच्छा तो ये है क्राइम, तो इस हिसाब से काफ़ी पीसफुल है ये, तो फोक्स आप लोग आ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने उसकी बात नहीं है। अच्छा रेसिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई रेसिज्म तो अब गली मोहल्ले में इंडिया पाकिस्तान में हर जगह है, कहीं मज़हब की बुनियाद पे है, कहीं पर कास्ट और रेस की बुनियाद पे है, तो लेकिन गवर्नमेंट इज़ वेरी इंटॉलरेंट है, बर्दाश्त नहीं करती है, हेट क्राइम में चला जाता है, तो इस चीज़ को तो आप लोग ना रूल आउट कर दें, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। बैड टाइम एट द बैड प्लेस कहते हैं ना, कि नॉट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, थिंग्स हैपन्स एंड हैपन्स। न्यूजीलैंड में कोई तसव्वुर तो नहीं कर सकता था कि कभी इस तरह का हो सकता है, और एक ऑस्ट्रेलियन आदमी जो है वहाँ से जाके अपना काम दिखा देता है। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, ज़रा मुझे पकड़ के रखिएगा इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ। पकड़ा हुआ है किसी ने मुझे, यस। तो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ क्लीन द वाटर इज, ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखिए क्या साफ इन्होंने एनवायरनमेंट पे इसको कितना पोल्यूशन फ्री किया है। आपको कितने प्लास्टिक के बैग यहाँ नज़र आ रहे हैं, कितनी जूती चप्पलें नज़र आ रही हैं जो कराची के क्लिफ्टन पे नज़र आती हैं कहीं ना कहीं, और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अभी मैं पढ़ रहा था बीबीसी में कि 40 पाउंड या पता नहीं 40 किलो उस बेचारी वेल मछली के पेट से निकला है वो कचरा। आप ये देखें, ऐसे ही नहीं है मुल्क तरक्की कर रहे हैं। आप इस पानी को देखें, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। आई विश कि मैं और नीचे जा सकता, लेकिन मुझे क्योंकि हाइट का थोड़ा सा फोबिया है क्या कहते हैं, तो मुझे अब आई हैव टू मूव आउट ऑफ हियर, क्योंकि आई हैव अ बिग इशू पर्सनली, आई कैन नॉट गो ऑन द हाइट एंड दिस इज़ नॉट अ सिंगल हाइट। लेकिन वो थोड़ा सा इल्यूजन बन रहा था पानी की वजह से भी, क्योंकि पानी की जो मछली भी एक नज़र आई, तो फॉक्स ये है नज़ारा। टाइम आ गया हम लोगों का अब इन्जॉय करने का। उस दिन मैंने वो काफ़ी दूर से पिक्चर बनाई थी तो शिप पूरा नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ से आप शिप को देख सकते हैं। अब मैं, आप इस बर्ड को देखें, ये नीचे नीचे फ्लाई करता हुआ आ रहा है, आई होप के ये देखें, वाह ये देखें, ये देखें कैसे नीचे नीचे, ये वो है बर्ड नहीं भाई, ये कैनेडियन गीज़ है हमारी, ये लैंड किया इन्होंने साइट के ऊपर। आए उसके पास चलते हैं, पूछते हैं क्या करके आई है वहाँ से, जोड़ा है बस, एंड दे आर एक्साइटेड, दे हैड अ गुड टाइम ओवर द लेक। तो लेकिन आपको मैंने इसकी लैंडिंग दिखा दी, तो मैं थोड़ा सा इससे भी बात कर लूँ, ये क्या करके आए हैं ये लोग लेक से, एनी ऑफ फोक्स मजाक। झूले पे अगर चलना है आप लोगों को तो झूले पे चले, तो एनी ऑफ फोक्स मैं खाम खा टाइम आप लोगों को ज़ाया कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ थोड़ी देर अभी टहलूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आई ब्रॉट माई टोपी, कि टोपी पहनने की वजह से मुझे बहुत ही, क्योंकि एक दफ़ा मैं, अगर आप लोगों ने मेरी वो टोरंटो लेक शोर की वो देखी होगी, इससे भी मुलाकात कराई दूँ आपकी। ये यहाँ का जो है ना, जिसे कहते हैं कनाडा का
नेशनल बर्ड तो कह ही सकते हैं, और कैनेडियन गीज ये मशहूर है कैनेडियन गीज के नाम से, और 5-10 किलो की तो होगी, अगर पाकिस्तान में होती तो काट पीट के सब बराबर हो चुकी होती। वो साइबेरिया से जो आते हैं परिंदे बेचारे कलरी झील पे, उन तक को तो खा गए। देखें घास खा रही है, ये देखें क्या पली भी तंदुरुस्त है, जोड़ा है आई बिलीव, क्योंकि इसका जो इसकी टेल डिफरेंट है, उसकी टेल दोनों सेम ही है। मैं ज़रा इसके करीब से आपको दिखाता हूँ, वो भी देखें एक जोड़ा जा रहा है, फैमिली में ट्रैवल करते हैं ये, देख रहे हैं वहाँ, वो भी एक आपको शायद दूर वो जहाज़ के पास अब चला गया है, इनसे मुलाकात करते हैं। What's up guys? How's your day? नहीं नहीं डरो नहीं, आई एम नॉट गोना बदर, मैं बिल्कुल बेजरर। तो आप लोगों को अगर मेरे पास कुछ होता ना खिलाने के लिए, दे लव टू ईट, लेट मी गो, मेरे पास कुछ कुरकुरे हैं जो कल मैंने ख़रीदे थे एक जगह से, इंडिया में वो 20 रुपये की प्राइस लिखी हुई थी और यहाँ वो $1.50 का मिला था। इधर आओ मैं तुम्हें कुरकुरे खिलाता हूँ, फॉक्स थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, मैंने कुरकुरे खिला के लाया, अच्छा लगता है, नेचर है, माहौल है। ये कन्वर्सेशन हो रही है, हमारे यहाँ जो ट्रक के मोटरसाइकिल ट्रक वालों के इस तरह के, जब मैं कुरकुरे मुझे मिल जाए तो आओ भाई कुरकुरे खिलाए तुम्हें। और प्लीज़ कहाँ चले गए तुम लोग यार, ओह माय गॉड दे आर गॉन फॉक्स, सॉरी हाय। तो चले फॉक्स मैं बंद करता हूँ, मैं तो चाह रहा था ये चले वहाँ जाके देखते हैं अगर वो पानी के अंदर है, वहाँ मैं वो मुझे देखे ना, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है, ये पसंद नहीं कर ले, छोटा मोटा खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ लोग डबल रोटियाँ वगैरह लेके आते हैं। ओके यहाँ साइन भी लगा हुआ है, चले कहानी ख़त्म हो गई। ये है बाय लॉ 18605 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा डू नॉट फीड द वाटर फॉल, फाउल कहते हैं फॉल कहते हैं आई हैव नो आइडिया। तो मेरा ख्याल है कि मैं ठंडी गली से पतली गली से निकल लूँ, काम खा अगले को इसको रैप करूँ। तो चले फॉक्स आप लोगों का काफ़ी टाइम लिया, आई होप कि कुछ लोगों को जो अभी पिछले हादसात की वजह से बेतहाशा ईमेल्स आई मुझे, बेतहाशा तो नहीं कह सकते कमेंट्स में, क्योंकि कुछ लोग मैंने चूँकि जब से ईमेल एड्रेसेस डालने शुरू कर दिए हैं तो लोग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग डिले सम टाइम, बीइंग लेट सम टाइम। तो रात को जब बैठा होता हूँ तो मैं फर्दन फर्दन सबको जवाब देता हूँ। एक दो लोगों ने अपने टेलीफोन नंबर भी मांगे तो मैं उनसे फ़ोन नंबर मांग लेता हूँ, तो जैसे भी टाइम मिलता है तो कॉल कर देता हूँ। तो जॉब की हद तक या वीज़े की हद तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज आई कैन टेल यू, मैं सिर्फ आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस हद तक अगर मुझे आप गवारा कर सकते हैं तो ठीक है, ये है कि मैं आपको इतना है कि जिस रीजन में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ को आने से पहले आपको देखो ना क्या मस्त माहौल में बैठी हुई है। ओह गॉड कैसी उसने देखा आपने, कैसे उसने जो है ना डिप लगाया अंदर की तरफ, एंड शी इज़ गोना कम अप विद सम फिश और समथिंग। तो एनी हाउ तो मैं जो हूँ ना व्यूअर्स, मेरे पास ना तो कोई जॉब के कोई एजेंसीज का नंबर्स हैं, ना तो कोई इमिग्रेशन का कोई मेरे साथ कोई वास्ता है, ना पता है मुझे। तो अब तक का जो मेरा अपना तजर्बा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ओके फोक्स फिर ये देखे वहाँ ये डूबी थी और यहाँ निकल के आई है ये। अगर मैं इसको खिलाऊँ थोड़ा सा, साइन तो लगा हुआ, मारेंगे पकड़ के मुझे।
देखता हूँ मैं, चलें छोड़ें आप लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, चलें फॉक्स मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एज लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर लाइक माई वीडियोज़। ओके, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।